आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेलवे का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही है। महकमा रेलवे ट्रेन शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन में आने वाली ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। आगाह कीजिएगा बिलाल। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। बात करें मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, तो ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से मुसाफरों को जो है वो खासा परेशानी और इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल जो है तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह और दीगर ट्रेनों में जो है वो कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है तकरीबन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो है वो तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ताखीर से पहुँची थी। और दीगर ट्रेनों में बात की जाए जिसमें लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तातल का शिकार है। कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो तकरीबन 2 घंटे से कम ताखीर का शिकार हो। और दीगर ट्रेनों में जो है वो कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है तकरीबन 2 घंटे ताखीर का शिकार है। मुल्तान से ही चलने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कराची से मुल्तान जब आती है तो तकरीबन अक्सर ही लेट होती है। आज भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ताखीर का शिकार है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से और इंतज़ार की अजियत की वजह से जब मुसाफिरों से बात होती है तो मुसाफिरों का ये मुतालबा होता है कि ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने की जो है वो रेलवे इंतज़ामिया कोशिश ज़रूरत है। रेलवे के ट्रैक को बेहतर किया जाए। वफाकी ज़ेर रेलवे DS रेलवे मुल्तान डिवीज़न से एक तो ये जो सफरी सहूलियात हैं दी जाने वाली सहूलियात को बेहतर किया जाए और साथ ही जो है वो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करें ताकि जो मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं वो स्टेशन का रुख करें। एक तो रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा और दूसरा जो है वो मुसाफिर भी आसानी से सफ़र कर सकेंगे और टाइम से जो टाइम मुकर्रर किया गया है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से उस टाइम जो है वो मुल्तान से कराची से फिर से लाहौर से और दीगर शहरों से आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो बआसानी सफ़र तय कर सकें। बिलाल, शुक्रिया आपका।